महोबा जिले में आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी में मृत्युंजय प्रताप भाजपा पार्टी से जेपी अनुरागी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। महोबा जिला पंचायत अध्यक्ष पद की सीट के लिए भाजपा से जेपी अनुरागी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान भाजपा के सदर विधायक राकेश गोस्वामी, बीजेपी जिला अध्यक्ष जितेंद्र सेंगर सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे, तो वहीं सपा के मृत्युंजय प्रताप सपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। परिसर के अंदर जाने को लेकर जिला प्रशासन में सपाइयों में नोकझोंक भी हुई। फिलहाल मृत्युंजय प्रताप ने समाजवादी पार्टी से नामांकन पत्र दाखिल किया है। हम आपको बता दें कि महोबा जिला पंचायत में कुल 14 सदस्य हैं, जिसमें से बीजेपी के 3 और सपा के 4 सदस्य हैं, जबकि 7 निर्दलीय सदस्य हैं। और अब अध्यक्ष पद निर्दलियों के हाथों में है। किसको जिला पंचायत अध्यक्ष का ताज पहनाते हैं, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, हम सब उन्हीं के सिपाही हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जब से बीते 4 सालों से उत्तर प्रदेश में काबिज है, आम जनमानस पूरी तरीके से आम सुविधाओं को लेकर वंचित है। महिलाओं के साथ गलत कार्य होते हैं, उसके बाद सरकारें शांत रहती हैं, किसान को उसकी फसल के मुआवजे नहीं मिलते हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए आदरणीय अखिलेश जी के आह्वान पर और उनके निर्देश पर हम लोगों ने आज नामांकन दाखिल किया है। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी 3 तारीख को परिणाम जीत के लेकर आएगी और महोबा में अध्यक्ष जिला पंचायत समाजवादी पार्टी का होगा। प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा था, आपके द्वारा बताया गया कि कोई दबाव बनाया जा रहा है? निश्चित तौर पर दबाव बनाए गए थे प्रशासन के द्वारा, लेकिन फिर आप मीडिया के साथियों की वजह से और आम जनता के प्यार की वजह से, देखिए जब मीडिया की और जनता की ताकत जुड़ जाती है तो सारी ताकतें झुक जाती हैं, तो यही हुआ। इसलिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने कल रात से ही बराबर इस मुद्दे को उठाया और आज आप सब लोग यहां पे इतनी बड़ी संख्या में मौजूद रहे, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। और आप लोगों से उम्मीद करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आपकी ये बहुत बखूबी जिम्मेवारी बनती है कि आने वाले चुनाव जो 3 तारीख को होने वाले हैं वो निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं। उसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका आप लोगों की रहेगी ताकि आप लोग प्रशासन को दबाव में रखकर चुनाव निष्पक्ष तरीके से हों और सत्ता का दखलअंदाजी यहां ना चले। जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो कैसे आपको मतलब कैसे समझ रहे हैं? देखिए, स्ट्रेटजी आप अपना रहे हैं? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी सीधी है कि हम विकास के नाम पर वोट मांगकर चुनकर आए हैं और विकास के नाम पर वोट मांगकर ही हम लोग मेंबरों के साथ बात करेंगे, उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। और जिस प्रकार मेंबर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और हमारे अध्यक्ष जी, महासचिव जी, सभी लोग जिस प्रकार एक इस लड़ाई में साथ में हैं, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन हमको मिलेगा और 3 तारीख को हम लोग विजयश्री हासिल कर पाएंगे। वर्तमान में कितने प्रत्याशी हैं सपा के? अब देखिए, ये तो रणनीति है। अभी रणनीति समाजवादी पार्टी के, देखिए 5 सदस्य हैं और अभी ये रणनीति है। बाकी कितने मेंबर हमारे पास हैं, कितने नहीं हैं, अभी तो 3 तारीख को ही बताएंगे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को देर नहीं लगेगी मेंबरों को उठाने में। कहाँ लगता है? देखिए, समाजवादी पार्टी चूंकि अपना जनाधार खो चुकी है और पिछली बार चूंकि 8 सीटें थी, इस बार शायद 3 या 4 सीटों पर उनको संतोष करना पड़ा। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जयप्रकाश अनुरागी जी हम लोगों के बीच में जो प्रदेश नेतृत्व ने तय किया है, तो जो और भी हमारे निर्दलीय साथी हैं उन लोगों ने इनको इसीलिए समर्थन दिया है कि ताकि उनके क्षेत्र में विकास हो सके। और जो सपा के जो प्रत्याशी हैं, घोषित प्रत्याशी, वह एक अपना एक आडंबर और एक मनगढ़ंत बातें करके एक हाईलाइट हो और एक सस्ती लोकप्रियता के लिए उन्होंने एक शासन प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया है। यदि यह समाजवादी पार्टी की सरकार होती, क्या वो यहाँ पर पर्चा दाखिल कर पाती? सबसे पहले यहाँ पर पर्चा दाखिल करने सपा का प्रत्याशी आया। मैं पूछना चाहता हूँ, जो आप आरोप लगा रहे हैं, कहाँ पर आपको प्रशासन ने किस जगह रोका? यदि यह समाजवादी पार्टी की सरकार होती, घर के बाहर एक कदम नहीं रख पाती। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सभी लोगों की सरकार है और लोकतंत्र में विश्वास रखती है। सभी लोग अपना अपना पर्चा भरें, और भी कोई पर्चा भरने वाला आ रहा हो, हम स्वागत करते हैं। क्योंकि जनमत यहाँ पे जो बहुबल है, यहाँ पे लोगों ने जो बाहुबली के नाते समाजवादी पार्टी ने पिछली सरकार में पर्चा नहीं भरने दिया, आज यहाँ पर हर कोई पर्चा भर सकता है। शासन प्रशासन पारदर्शिता निष्पक्षता के साथ में अभी जिला पंचायत सदस्य के भी चुनाव कराए और यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव चल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ में चूंकि पूर्ण बहुमत है, उनके साथ प्रस्तावक समर्थक के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था, इसीलिए वह अपनी खींच के कारण भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे थे, जो मिथ्या
पूरी तरीके से असत्य है, निराधार है। और मैं इस बात की निंदा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक दल, जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो कुकृत्य करते थे उससे तुलना की हमारे संगठन की, चूंकि ये सब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में होता था। आगे की खींच है, उनको ये मालूम है कि परिणाम क्या है। और 10 हमारे साथ में आपके सामने ही सभी माननीय सदस्यगण खड़े हुए हैं, और हमारा बोर्ड में प्रचंड मतों से वहाँ पे पूर्ण बहुमत से हमारा बोर्ड बनेगा। आप सभी लोग उसके गवाह साक्षी बनेंगे, और मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जयप्रकाश अनुरागी जी को, कि उनके सरल स्वभाव पर भारतीय जनता पार्टी ने कैडर के कार्यकर्ता को उनको प्रत्याशी बनाया। सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अति उत्साहित हैं, प्रसन्न हैं, और आपने देखा माननीय जनप्रतिनिधिगण भी सभी लोग एक साथ होकर जयप्रकाश अनुरागी जी को कि चूंकि और 10 से 11, 12, 13 हमारे सदस्य कैसे बढ़ें, इसके लिए हम उन लोगों से आग्रह करेंगे कि जीत है विकास के नाते, हम सब लोग जो और लोग भी हैं वो भी हम सब लोग चूंकि सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे तो और विकास और तेजी से होगा महोबा जिले में। समाजवादी पार्टी का जैसा करैक्टर है, जैसे उसके क्रियाकलाप हैं अपने शासनकाल में, जो वो क्रियाकलाप करती रही है उसी तरह का आरोप प्रत्यारोप उनके लगाने का एक नेचर है, एक ढंग है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आपने देखा जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी चुनाव निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से हुए हैं, और इसके आज की जो नामांकन प्रक्रिया में हमारे साथ सभी 10 सदस्य 14 में से 10 सदस्य आज हमारा समर्थन कर रहे हैं, सभी साथ में हैं, और जो ये निराधार आरोप लगा रहे हैं यह उनकी हार की खींच का परिचायक। महोबा से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट।